नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों L4 L5 स्लिप डिस्क मतलब कि हमारे कमर की हड्डी में चौथे और पांचवें मनके के बीच में जो गादी आई हुई होती है ये खिसक जाना L4 L5 स्लिप डिस्क ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कमर के ऑपरेशन होते हैं या स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं उसमें सबसे कॉमन ऑपरेशन है L4 L5 स्लिप डिस्क का ऑपरेशन। इसे कहते हैं डिस्केक्टमी। ये ऑपरेशन में क्या किया जाता है ये एकदम इजी लैंग्वेज में आपको मैं एक मॉडल पे समझा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी मरीज को हम फ्रंट से देखते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है, ये L4 है और ये L5 है। तो ये दोनों के बीच में ये जो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये गादी है, ये डिस्क है। ये दो हड्डी है इसके बीच में ये डिस्क है। तो ये L4 है, ये L5 है, L4 L5 डिस्क है। यहाँ पर जो आपको रेड कलर का लाल कलर का एक टुकड़ा जो दिख रहा है ये यहाँ पर स्लिप डिस्क हो गई है। अब आपको पीछे जो दिख रही है ये येलो कलर की पीले कलर की जो है वो नस है, ये स्लिप डिस्क हो गई है। ये डिस्क का जो टुकड़ा है ये नस को दबा रहा है। तो ये ऑपरेशन में क्या किया जाता है, पूरी गादी को कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ ये जो लाल कलर का जो टुकड़ा है इसको निकाल लिया जाता है, इसे डिस्केक्टमी कहते हैं। जैसे ही ये टुकड़ा हम निकालते हैं, जैसे ये टुकड़ा ये पीस ये रिमूव किया जाता है, ये नस के ऊपर का प्रेशर हट जाता है और मरीज को इमीडिएटली दर्द से आराम मिल जाता है। बाकी ये पूरी डिस्क को कुछ भी नहीं किया जाता है।